Saddam, 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 Yele, yele, yelele, yele, yele, yelele, Saddam, 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 Saddam. अरे यार तुम ऊपर करके घंट गिरा दोगे, रास्ता इधर से निकलो यार. गोली बेचे सूखा खेत जोते, एक्स की गोली बेचे सूखा खेत जोते. घर वाली चली जाएगी घर छोड़ के, जल्दी से दे दो भाई मुझे. घर वाली जा रही वाकई. हाँ भाई दे दो भाई. हाँ भाई ये लो हफ्ते भर खाओ फिर तुम भागते रहना. और देखो जब दवा खाए ना तो जज्बात में आके ज्यादा ना खा लेना, नहीं तो चंपा के सामने हकलाने लग जाओगे. सद्दाम का पोता मजनू मुन्नी का तोता, सद्दाम का पोता मजनू मुन्नी का तोता, शेरू सपने देखे पालंग तोड़े, दिन भर आगे पीछे दौड़े. हलाल को जायज करने के लिए मगरिब की तरफ इसका मुंह कर, ऐसा पकड़े रखा है ना तूने. अरे छोड़े काम कर, मैं इसका हाथ तोड़ देता हूँ. ये वाला हाथ ठीक है, थोड़ा इसको उठाकर रख, उठाकर रख. ये हाथ यहाँ से मैंने तोड़ा, जैसे तोड़ा तू है ना, तू तुरंत उसका हाथ तोड़ेगा सेम टाइम. पत्ते पे रखना, पत्ते पे रखना. ठीक है भाई. भाई 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 मुन्नी 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 हां भाभी बना दो आज ही. मुंह पड़े मेरे जाना मेरे. ये है पुलिस वाला अजूबा निराला, ये है पुलिस वाला अजूबा निराला. पिशिंग पिशिंग एंड पिशिंग 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 एंड पिछले कैदी का दीवाना, ये है मुन्नी का दीवाना. थोड़ा तेज बोलो, सुना नहीं पड़ रहा. साइकिल चोरी के धरा पड़े छे दुई जो. तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है ना, वो तब सॉल्व होगी जब तुम अपनी लुंगी के नीचे लट्ठे का एक लंगोट पहनो. यह है बूढ़ा बैल खेले दी तंग दी तंग खेल, यह है बूढ़ा बैल खेले दी तंग खेल. पल काले करे बोटक्स करे आगे पीछे घूमे फिरे, मुन्नी का दीवाना ये भी मुन्नी का दीवाना. यह उलट भजी थी ये मोहिया दमनी, दोनों को छान के अच्छे से कूट के ना एक गिलास दूध के साथ गटक लो. आया सुपर टेलर दो गेंदों का ये बॉलर, आया सुपर टेलर दो गेंदों का ये बॉलर. कटिंग क्लॉथिंग कचर 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 कचर, ओहो यहाँ मैन का मधुबारा, ये भी मुन्नी का दीवाना, ये भी मुन्नी का दीवाना, ये भी मुन्नी का दीवाना. येले 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 ले येले 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 ले. लो मैं आ गई. Yes. Oh wow. अभी तो बहुत रोमांटिक हो गए. क्या बात है. थैंक यू. मैं कैसे लग रही हूँ. बैठ जाओ. बैठे. अच्छा बताओ ना मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है. अच्छी लग रही हो. अच्छा सुनिए, किसने दिलाया ये. बिल्लू ने. बिल्लू. क्या हुआ. अच्छा नहीं, नहीं है. अच्छा है फिर. वो नाप आप लिए बगैर इसका. मैं क्या करती हूँ ना, सारी की सारी मैगजीन्स में जो चित्ती अच्छी ड्रेसेस होती है सब बिल्लू को बोल देती, फिर वो सारी बना के देता है मुझे. इसमें मेजरमेंट की क्या जरूरत है, ये तो नॉर्मल है ना, इसके पास है मेरा साइन. मैं अच्छी लग रही हूँ ना. हाँ पैसा वैसा. पैसा पैसे नहीं लेता. क्यों. क्या बोलता है पता है. वो बोलता है मुन्नी तेरे कदमों में तो दुनिया हाजिर है. सुनिए सब. तेरा चाल चलन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. क्या बोला. सुधर जा, ये सब ठीक नहीं लगता. छी छी तुम से बात. और सुन ये ले वो बिल्लू को दे गया. मुझे नहीं चाहिए. मेक इट 32. अपना पैसा अपने पास रखो ठीक है. अरे यार इसमें गुस्सा होने की क्या बात है यार. रुको ना जान, गुस्सा क्यों कर रही हो. जान जान तेरी बाहों में ही निगाहों में ही
तेरी यादों में खोया रहता हूँ, तेरी बाहों में निगाहों में तेरी यादों में खोया रहता हूँ, याद पिया की। अरे गफूर मियां। कौन? अरे सदाम भाई, आइए आइए। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। अरे आप तशरीफ रखिए, मैं यहाँ बैठता हूँ। जी जी, और कैसे मिजाज? बस अल्लाह का करम है। अजी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा जरूरी सी बात करनी थी आपसे, सोचा होते चलूँ। जी फरमाइए। मैं वो अपने पोते के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था। सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सब खैर? हाँ हाँ, जी जी जी, दुआ है आपकी। तो बस वो मैं चाह रहा था कि बच्चे जवान हो गए हैं और दोनों का इश्क भी बड़े ज़ोरों पर है, पूरे मोहल्ले को पता है। जी अब कानों में कुछ बातें ऐसी पड़ती हैं जिससे मैं थोड़ा सहम सा गया हूँ और सोच रहा हूँ कि दोनों का निकाह जल्द से जल्द कर दिया जाए।
अगर आप इजाज़त दें तो तैयारी की जाए और बस कर दिया जाए निकाह, नहीं तो खामा खा मोहल्ले को जानते हो बड़े कुंदे जान लोग होते हैं, हाँ खामा खा की उल्टी सीधी बातें करेंगे। बताइए क्या ख्याल है आपका, क्या किया जाए? ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप जैसे नवाब घर के लोग हमारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तो फिर बस पैरा फिर ये तो रमजान के बाद फौरन जितने जल्दी हो सके निपटा देते हैं दोनों को, है ना, और फिर जाए भागे घूमे फिरे जो करें अपनी मर्जी से, हैं। चलिए मैं चलता हूँ। नहीं नहीं सुनिए, अरे भाई मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं आऊँगा, रिश्ता जाने दीजिए, मैं कभी भी हाजिर हो जाऊँगा। हमारे घर पे आए हो, कोई बात नहीं, मैं फिर आऊँगा, खुदा हाफिज। मैं तुम्हारी रानी मरेगी। अरे हमारी रानी तो हमारे सामने बैठी है। क्या क्या कर रहे थे, ध्यान नहीं रखते अपना बिल्कुल। हाँ अगली बार से ध्यान रखिए अपना, ठीक है? चलो चलो खेलेंगे, आप लोग क्यों नहीं खेल रहे, चलो आप भी तुम बैठे, चलो मैं आई। अच्छा बाय। ओए होए मेरे शेर खान। अबे तू कौन है? मैं नूर जहां। मेरा रास्ता छोड़ो। क्या है उस मुन्नी में जो मुझ में नहीं है? कहां वो मुन्नी, कहां ये नूर जहां? हम दोनों की जोड़ी सही है, हम दोनों के नाम से ही तो जोड़ी मुकम्मल होती है। देखो तुम ये सब गंदी गंदी बातें मत करो, मैं फूफी जान को बता दूंगा। फट्टू डर गए? सुन तुम मुझसे शादी कर ले, अगर मैं तुझे खुश नहीं कर पाई तो अगले ही दिन उस मुन्नी से तेरी शादी करा दूंगी। छी तू पागल हो गई क्या? मान जाना। अब सुनो मुन्नी, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो मुन्नी, मेरी बात तो सुनो। मुझे तेरी बात नहीं सुननी, क्या छोड़ छोड़। मेरा बच्चा नाराज हो गया, डायरेक्टर ढीला है। बैठ यहाँ पे, बैठ बैठ। एक बात सुनेगी मेरी, वो मेरी बहन जैसी है यार। छी बहन बना दिया उसको, फूफी की बेटी है, मैंने उसको हत्ते मुत्ते कितना गंदा, हत्ते मुत्ते नहीं हत्ते मुत्ते। हाँ वही यार, मैंने उसको देखा है यार। हाँ ठीक है। हत्ते मुत्ते देखा। हाँ यार कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। ठीक है ठीक है। अरे क्या समझाओगे रे तुम लोग, इतने लोग होकर दो पर हाथ उठाते हो, गांव का माहौल खराब करके रखा है इन्होंने। लगाना किसी को कोई हम जो भी कर रहे हैं पंचायत में से फैसला होगा, कोई भी कानून का हाथ ना ले, चलो पीछे हटो। आज का वाकया बड़ा शर्मनाक है गफूर मियां, हमें आपसे बहुत शिकायत है, आपकी बेटी जवान हो गई और आपको पता ही नहीं चला, ये गली गली गुलछर्रे उड़ाते फिरती है, इश्क और मोहब्बत की पट्टी पढ़ाती है, आज लोगों ने इसे रंगे हाथों पकड़ा है, इसकी वजह से गांव के बूढ़े बच्चे खराब हो रहे हैं। मैं जलालुद्दीन मोहम्मद इस गांव का मुखिया होने की हैसियत से आपको हुक्म देता हूं कि इन दोनों का निकाह 24 घंटे के अंदर करवा दें, वरना इनके साथ साथ आपको भी गांव से और बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मुखिया जी मैं कुछ कहना चाहूंगा, देखिए जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, मेरे ख्याल से इन बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया है। आप 24 घंटों की बात क्या कर रहे हैं, मैंने गफूर मियां से बात कर ली है, हम आज रात को ही इनका निकाह करवा देते हैं। अगर ऐसा है तो हम वादा करते हैं कि तमाम गांव वाले आपके इस निकाह में शामिल होंगे, क्यों ठीक है ना? हाँ, हम सब तैयार हैं। किसी की हो नहीं सकती, दिन की चांदनी है।
खाना बन गया भाई? कोई खाना नहीं खाएगा, सब खाना फेंक दिया जाएगा। रोज बनेगा खाना रोज फेंका जाएगा, रोज बनेगा खाना रोज फेंका जाएगा। सब छुप जाओ, सब छुप जाओ, मुझे तनहा रहने दो। सब छुप जाओ, कहीं भी छुप जाओ, बस छुप जाओ, सब छुप जाओ। मैं आँख खोलते ही कोई नहीं दिखना चाहिए, कोई नहीं दिखना चाहिए। धोखा हुआ है मेरे साथ। मैं आँख खोला, बिल्कुल अकेला तनहा। कलीम मेरे भाई, तू रहे मेरे साथ। हाँ भाई, मैं हूँ साथ। मुझे अब समझ में आ रहा है, मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो गाना मुझे क्यों इतना पसंद है। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे। मस्ती कर रहे थे हम लोग, नाटक नाटक कंपनी खोलने का सोचा, ये सब धंधा वंदा छोड़ दूँ। ए मुन्नी, ए मुन्नी बाबू, मेरी बात सुन, प्लीज मेरी बात सुन। ये अल्लाह ने दिया, ये अल्लाह। मुझे जाने दे भाई, फिक्र मत करो, वो आएगी, आएगी वो। मुझे जाने दे, वो आएगी, वो आएगी। मुझे जाने दे, मुझे तनहा और तनहा रहने दे। मुझे जाने दे। दादाजी, दादाजी। ये क्या था? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बैठो बैठो। चाय? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है। दरअसल क्या होता है तुम्हें मालूम नहीं है, जब आदमी सो जाता है तो उसकी रूह कहीं दूर निकल जाती है। जिंदा आदमी का भी? हाँ भाई, मेरी भी घूमने फिरने की बहुत आदत है। मैं सो गया तो मेरी रूह कहीं दूर निकल गई। वो सिराज दौला की मज़ार के पास गुजर रही थी तो देखा कि वो अपनी मज़ार पे बड़ी अफसरदा तबीयत लिए टिके बैठे थे। दुआ सलाम हुई तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया, कहा बैठो, तो मैं बैठ गया। उन्हें उदास देखा, पूछा हुजूर क्या है, क्यों उदास हैं? बताने लगे वो अपनी मौत का हादसा। फिर हुआ वही, बस उन्होंने अपनी कहानी शुरू की थी तब तक तुमने मुझे झिझोड़ दिया। हाँ, रास्ता बड़ा लंबा था, सामने घोड़ा दिख गया, मैं घोड़े पर बैठा, घोड़ा दौड़ा। जैसे ही मैंने घोड़े को रोकने के लिए हेड़ लगा दी तो घोड़े ने गिरा दिया, घोड़े ने गिरा दिया। अच्छा, तो लीजिए चाय, लीजिए, मैं आपकी चाय लेके आई। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी अगली बार से। आप चाय पीजिए। हाँ, खुश रहो। शेर खान, अमा कहो यार। शेर खान, बैल खेले दी तंग दी तंग खेल, ये है बूढ़ा बैल खेले दी तंग। पल काले करे, बोटॉक्स करे आगे। बोलो, तुमसे एक जरूरी काम था। अच्छा, मगर तुम्हारी एक अमानत है जी, जो मैं तुमको देना चाहता हूँ जी। लेकिन यहाँ पे देना ठीक रहेगा? कोई और जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग एक कुछ बात कर सके? सीढ़ी के पास चलो। हाँ चलो। रुक, तुझे बताती हूँ अभी। हाँ मुखिया जी, बोलिए। ये क्या है ना, ये मुन्नी का है। अच्छा, लेकिन उसे कुछ कहना मत जी। ये क्या है? ये मुन्नी का पैंटी। हाँ मुन्नी का। हाँ हाँ, लेकिन ये आपके पास कैसे आया? अभी मैं तुम्हें समझा समझा मुन्नी मुन्नी मुखिया जी, मुखिया जी। अरे यार, कोई पानी लेके आओ। मुन्नी सर, मुन्नी। यह है पुलिस वाला अजूबानी राला, यह है पुलिस वाला अजूबानी राला। पिशिंग पिशिंग है, पिशिंग 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 है। बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा मुझे आटा दे दीजिए, मैं थोड़ी जल्दी में। अरे आटा दे देंगे, बाकी सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, मुझे आटा दे दीजिए। जहाँ दे दूंगा दे दूंगा, ये लीजिए अपना आटा। नहीं नहीं, ये मेरा आटा नहीं है। आप भूल गई हैं, आप भूल जाती ना, आपको पता ही नहीं है ये आपका ही नहीं, है। नहीं, मैं सिर्फ 5 किलो लेके आई थी। अच्छा, आप इसको रखिए, आपका है। आप पिछली बार आई थी ना, बहुत ज्यादा लाई थी। आप इसको देख रही है ना, ये मत देखो, आप पिछली बार इससे ज्यादा लाई थी। रखो रखो रखो, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, और बताइए क्या चल रहा है? सब ठीक है। अच्छा सुनिए ना, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको पता है। तो मैं क्या करूँ? आप कुछ मत करिए, उस प्यार के बदले में थोड़ा सा प्यार करती है बस।
अच्छा सुनिए, मुझे जाना है, मुझे सुनिए ना, सुनिए ना, देखिए तो बोलिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कैदी नहीं मिलता चक्की पीसने के लिए। अच्छा तो बेगुनाहों को लाके पिसवाना पड़ता है। क्या बकवास है ये। मुन्नी 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 मुनी आया सुपर टेलर दो बिल्लू का ये तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये क्या बदतमीजी? तूने शादी कर ली? हाँ तो वो तो सभी करते हैं, मुझे तो करनी थी। तू मेरे पैसे लौटा दे। पैसे? कौन से पैसे? मेरा दिमाग मत खराब कर, तू जाए आज से। मुनी मान जा, देख मुनी मैंने अब तक काफी पैसे खर्च किए तुझ पर। मुनी मुनी मेरे पैसे लौटा दे। तुम यहाँ बैठे? हाँ बोल, कौन सा पैसा? वो जो मैं अब तक काफी तेरी फिल्मों पे खर्च किया हूँ, तेरी टिकट खरीदा हूँ, तेरी ब्रा पैंटियाँ कपड़े लत्ते पे खर्च किया हूँ। इन सब के पैसे मेरे पास नहीं है। तू ऐसा कर, तू सारे कपड़े ले जा, ठीक है? ये पहने हुए कपड़े का मैं क्या करूँगा, किसको बेचूंगा? मतलब किसी को भी बेच, मैं क्या करूँ? मुनी मान जा, मेरे पैसे दे दे बस बस। मेरे पास नहीं पैसे वैसे। मुनी 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 पैसे दे वरना मैं शेर खान को बोल दूंगा। शेर खान को बोलेगा? अकेली अपना नारी को देख के आ गया मुँह उठा के लूटने, इज्जत ऐसा बोलू क्या? हाँ दादाजी को, शेर खान को बोलू 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 क्या? मैं बता दूँ, मैं जाऊँ सद्दाम जी को अभी जाके बता दूँ, मुझे मेरे पैसे दे दे, मेरे लिए बस है, मैं चला जाऊंगा। तू बता जो अब तक सारे हिसाब किए दे दे। अच्छा पैसे लेके जाएगा? ऐसे नहीं जाएगा। जा ना, जा जा। मुन्नी दे दे वरना वाकई में जाके शेर खान सद्दाम दोनों को बता दूंगा। पैसे चाहिए? ठीक है यहीं रहना, जाना नहीं, मैं लेके आती हूँ पैसे, ठीक है? पैसा लेगा? अरे अब गाएगी और नाचेगी, रुक अब दिखना नहीं, बहुत मारूंगी। ओए कौन है तू? ये क्या है? प्रिस्क्रिप्शन। ओके देख, लेकिन ये क्या है? देख लो ना, देख लो प्रिस्क्रिप्शन। दिल ना खेले दिलदार का, आइए आप। एक्स की गोली बेचे, परेशान होने कोई बात नहीं, आइए। एक्स की गोली बेचे, सूखा खेत जोते, दर्द सारा सीजन भैया हया हया होने। जेल जेल जेल। मेरा देवर सुहाग रात में हार गया, क्या बताएं, घर छोड़ के जा रही है बहू, मैं क्या करूं? अरे आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? बिल्कुल मामूली सी बात है, यूँ समझ लीजिए बुखार से भी छोटी चीज़ है। मैं आपको जो दवा दूंगा आप शाम को उनको पिला दीजिए दूध के साथ में, और उसके बाद देखिए वो आज ही रात को मर्दान की अपनी साबित कर देंगे। चलिए आइए। अरे उन्हें जी सुनो, एक काम करो, इसमें आधा पानी भरना यहाँ तक, और दो चम्मच इसमें से दवा इसमें मिक्स कर देना। अच्छा अच्छे से मिला देना, ठीक है? हाँ हिला के इनको दे दो। हाँ इनको दे देना, ठीक है? ठीक है। हाँ आप बैठिए, आप तशरीफ रखिए, मुझे किसी मरीज को देखने जाना है, मैं शाम तक आकर मिलता हूँ आपसे। और परेशान बिल्कुल मत होइए, वो दवा दे देगी जैसे मैंने बताया वैसे उनको खिला दीजिए, ठीक है? मैं शाम तक लौट आऊँगा। अरे सुनिए सुनिए। हाँ एक मिनट। मुझे भी ले चलिए ना मेरे शेरू। कहाँ? घूमने। अभी? हाँ। अरे अभी अभी तो शादी हुई है, कहाँ घूमेंगे? डरो मत, मेरे बुर्का पहना देखो। अच्छा ठीक है। क्या कर रहे हो बीच में आके? पैसे ले रहा हूँ भाई। मुन्नी पैसे दे। कौन सा पैसा? वो जानती पैसे ला दो, बहुत हो गया यार, पैसे ला दो। चल तुझे मना किया था ना दिखने। दे दे वरना बदनाम कर दूंगा।
क्या बोला? मुझे बदनाम करेगा, मुझे बदनाम करेगा तू? क्या कर रही है? मारूंगी तुझे, आज रुक जा, तुझे तुझे जान से मार दूंगी, आज रुक। बताती हूँ तुझे, आज बोला था ना तुझे, अरे शांति नहीं है मेरे को, बताती हूँ इसको मैं, छोड़ो मुझे, रास्ते में बैठा दूंगा तुझको। अबे समझ में नहीं आ रहा है? हाँ हाँ बिल्लू, मैं भी तेरे को देख लूंगा, पूरे गांव में कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुझे। साले बिल्लू, तेरे को बताता हूँ अभी। हालिम भाई, हालिम भाई, मोहब्बत की पट्टी पढ़ाती है। पैंटी मुन्नी का किसने दिलाया? ये बिल्लू ने। नाप बाप नहीं है तो ऐसे कैसे बना दिया? इसमें मेजरमेंट की क्या जरूरत है? ये तो नॉर्मल है ना, इसके पास है मेरा साइन। ओए कौन है वे तू? वो जानती, वो जानती। लगेगी मुझको आराम से। क्या हुआ? ओए दर्द मुझे हो रहा है, चेहरा तेरा क्यों उतर गया? अरे मेरा चेहरा आ गया। तो क्या बात है, चूड़ी तो पहनने देते। आज के गुज्जर सिंह की तरह प्यार करोगे क्या? हाथ मत लगा, दूर से बात कर। क्या हुआ जान? हाथ हटा। कितना करना चाहिए? हुआ क्या है तुम? बिल्लू चूड़ी वाला हालिम भाई मुखिया, शादी क्यों की? शादी क्यों की? अगर कोठे पे बैठना था तो शादी क्यों की? बोर्ड लगाता मैं। सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की। अरे इन तमज्जो से तुम्हें बचपन से खेली हो। तुम मेरे शौहर नहीं होते ना तो सारी की सारी अभी के अभी उतार देती। हाथ मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे मैं तेरे को तलाक देता हूँ, समझी? मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। क्या मेरे को तलाक देती? मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। मैं तेरे को तलाक देता हूँ। निकल निकल जा मेरे घर से, निकल जा, कदम नहीं रखना आईंदा। क्या बात कर रहे? क्या बात कर रहे? तलाक हो गया? अरे क्या बात, मुन्नी का तलाक हो गया। फिर से बोल मुन्नी का तलाक हो गया। सर पानी 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 सर, सब कुछ देते आज से, जितने भी कह दिए ना सब कुछ देते। आज से आटा मुन्नी के लिए मैं भी सूंगा। पक 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 अच्छा बना है सिराज, कैसा है खाना? अबे इसको बोटी दे, अबे इसकी जान दे, अबे जान बनाओ। मेरे लिए तो जगह नहीं है फिर भी भाई। बस उससे दुआ मांगो अल्लाह मियाँ से कि भाई वो अपनी अपनी जो ख्वाहिश है मुन्नी वो पूरी कर, ठीक है ना? ये खाना खिलाओ रे, इनको खाना खिलाओ। ये गोश्त कहाँ से किया? अरे अतीक का बकरा उड़ा दिया। Oh,
क्या हुआ बरखुरदार, क्यों उदास बैठे हो? अरे मियाँ, तुमने तो बड़ी हिम्मत का काम किया है, अब उदासी किस बात की? देखो बेटा, ये जो जिस्मानी मोहब्बत होती है ना, ये ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। अब जिस्मानी मोहब्बत करने वाले से कौन रिश्ता जोड़ेगा? कभी आज इसके साथ चल दिए, कभी उसके साथ चल दिए, किसी को भी यार दोस्त बना लिया। दादाजी आप ज्यादा बोल रहे हो। ज्यादा बोल रहे हैं? तू मुझे सिखाएगा कि क्या ज्यादा है और क्या कम? ज्यादा बोल रहे हैं? नहीं बोलते ज्यादा, कम से ही काम चला लूंगा भाई। अच्छा ये तो बता दे कि वजह क्या थी। ये देखो, ये पिक्चर का टिकट है, वो बिल्लू के साथ पिक्चर देखने गई थी। ये साबुत टिकट? ये तू कभी ऐसा साबुत टिकट लेकर सिनेमा हॉल में घुसा है? बेटा ये साबुत टिकट लेकर तो तेरा शक ही सिनेमा हॉल में घुस सकता है। ये पायल का क्या? ये हलीम के घर पे मिली। अब आप ही बताइए, ऐसे किसी के घर पे पायल मिलती है? नहीं, किसी के घर पे नहीं मिलती। हाँ ये पायल वाला मामला जरा मेरी समझ में नहीं आया, पैर दिखा जरा। हाँ ये पायल अच्छी लग रही है तेरे पांव में। वो जरा माचिस की तीली उठा, कान में खुजली हो रही है। ये लो। लदे दे, पायल कौन देगा तेरा अब्बू? क्या हुआ? वो देख, वो पड़ी है हलीम भाई के घर में, उठा। दादाजी पायल और टिकट का किस्सा तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन वो पैंटी का क्या? पैंटी साला मुखिया ने खुद मेरे को दी। मुखिया ने दी? एक काम कर, तू मेरे साथ चल अभी मुखिया के घर पर, उसकी बिटिया की पैंटी तार पर सूख रही होगी, उतार लाना एक दो, और ज़्यादा चाहिए तो पूरे मोहल्ले में बहुत सारी पेंटियाँ सूख रही होंगी, किसी की भी उठा लाना, चल। दादाजी आप ही बताओ अब मैं क्या करूँ? अब तू कुछ नहीं कर सकता, एक नंबर का गधा बेवकूफ, तू क्या करेगा, तू बस यहीं बैठेगा। बैठा रहा, और वो उठा पायल और वो टिकट। ऐसा मत बोलो। पेंटी लिया और छाती पे रख कर बस ऐश कर तू, समझा? बड़ा कमाल का काम किया तूने, ऐश कर, ऐश कर। दादाजी मेरी बात तो सुनो, बड़ा नाम रोशन करेगा तू।
जिहड़ा यार दिला दे मेरे मौला मुझे मिला दे मेरा बिछड़ा यार दिला दे उनका दीदार करा दे मेरा बिछड़ा यार दिला दे उनका दीदार करा दे सकते हाँ अबे तू क्या कर रही है तू मिलने आई है मारने ये क्या क्या हालत बना ली है हाँ अबे जानबूझ के थोड़ी क्या एक्सीडेंट था तो भी अच्छा ये सब छोड़ो मुझे तुमसे एक बात करनी है क्या है अबू ने मेरे लिए एक लड़का देखा शादी के लिए क्या तुमने तो तलाक देते वक्त सोचा नहीं लड़का कौन है घर से धक्के मार के निकाल दिया लड़का कौन है ये भी नहीं सोचा कि तलाक के बाद मैं कैसे जीऊंगी तुम्हें पता है मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया सब लोग कितना मजाक बनाते हैं मेरा लड़का कौन है कितना मुहाल हो गया मेरा जीना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे खुद से नफरत हो गई है लड़का कौन है लड़का कौन है लड़का कौन है क्या कर लोगे तुम लड़का कौन है चांद से मार दूंगा तुम ही हो तुम हो वो लड़के तुमसे शादी करूंगी मैं हम लोग जल्दी से शादी करते हैं क्यों क्यों ऐसा हाँ जल्दी से शादी करनी है हालत देखी अपनी ये देखो ऐसे शादी कर हो गया अबे ये कुछ नहीं है ये देख आओ डॉक्टर आ जाओ खोलो छोटे अरे अरे आ भ्यू 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 आ भ्यू 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 आ भ्यू 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 आज आप लोगों को यहां इसलिए इकट्ठा किया गया है कि हमारे बीच एक मसला है जिसका हल बहुत जरूरी है जैसा कि आप जानते हैं कि शेर खान और मुन्नी ने बड़े ही शौक से निकाह किया था मगर किसी एक वजह से उनमें तलाक हो चुका है और फिर से ये एक बार निकाह करना चाहते हैं मगर हमारे मजहब के तहत कुछ हदीसों के कायदे कानून हैं जिसका मानना बहुत ज़रूरी है और वो कायदे क्या हैं वो कानून क्या है आपको मौलाना साहब तफसील से बताएंगे और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा मौलाना साहब आप कुछ बताएं
हदीस का मसला यही है कि जो शेर खान से मुन्नी की शादी पहले हो चुकी थी, अब उन दोनों में तलाक हो चुका है और इन दोनों को दोबारा निकाह करने के लिए हलाला की ज़रूरत है। इसके मद्देनज़र शेर खान को एक लड़का चुने, एक रात के लिए मुन्नी से शादी करवानी होगी और सुबह वो मुन्नी को तलाक दे दे तो शेर खान मुन्नी से दोबारा शादी कर सकता है। यही है हलाला। बैठिए, अब आप लोग बताएं कि मुन्नी से कौन निकाह करना चाहता है। नालायको, ना मुरादो, स्टॉप, हट, हट, हट। मैं करूंगा मुन्नी से शादी। ध्यान से सुनना साहब, पूरे गांव को 5 साल से संभाल रहा हूं। जो बंदा पूरे गांव को 5 साल तक अकेला संभाल सकता है, उसके लिए मुन्नी तो जान है। समझ गया ना? समझ गया ना? तो मैं बोलना चाहता हूं कि हम मुन्नी से शादी करेंगे और हवालात में रहेंगे। एक रात की तो बात है ना मुन्नी? मुन्नी कपूर मियां, अब मैं कैसा लगता हूँ बताओ ना। चुप हो जाइए। 15 साल से मैं इस गांव का मुखिया हूं। आज तक कोई बोल दे किसी बहू बेटी पे बुरी नजर मैंने डाली हो, आज पूरे गांव के सामने मैं ऐलान करता हूं कि मैं मुन्नी से निकाह करने के लिए तैयार हूं। शेर खान, आप क्या कहते हैं, बोलिए। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ क्यों आया, क्या कर रहा हूं। मैं आपसे माफी चाहता हूं मुखिया जी, मौलवी जी आपसे भी। इसका फैसला मैं आज नहीं कर सकता, मैं कल तक आपको बता दूंगा। ठीक है, शेर खान के जवाब के बाद इस मसले का फैसला किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत मिजाज भाई? ये क्या है? अरे भाई मत पूछिए, कुछ सामान है, कुछ मिठाई है, केला है, आपको लेना है, और ये एप्पल, और खास तौर पे ये बेहतरीन सी साड़ी मुन्नी के लिए मैंने खरीदी है। अच्छा, बहुत दुआएं मांगी थी, अल्लाह ने पूरी कर दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग दोबारा एक हो जाओ और जैसे कि पहले घूमते थे, कितनी अमन और खुशियाँ थी गांव में, वैसे ही घुमा करो। खैर, एक बात पूछूं? एक बात पूछूं? क्या? लड़का देखा? मैं देख रहा हूँ। मेरे पे भरोसा करोगे? आएगा, रात भर मेरे साथ रहेगा। सुबह कुछ ऐसा और निकल यहाँ से। लेकिन भाई जान, अब टेंशन मत लो, एक ही रात की तो बात है। निकल, ये क्या है? ये साड़ी है ना, साड़ी अपनी बीवी को पहनाना। निकल यहाँ से। ये तुम लोगों क्या रे, काम धंधा नहीं है? चल, इतना था उपल दिया, लिया नहीं बचताएगा। दादाजी, ये 2:30 बजे क्यों जगाया है मुझे? दादाजी एक बात करनी है। बात करनी है? वो ये बात करने का वक्त है? अरे बात तो सुनो मेरी। बोल बोल, जल्दी बोल। वो मुन्नी है ना, वो निकाह करने के लिए तैयार हो गई है। अरे बेवकूफ, निकाह करने को तैयार हो गई? कैसे निकाह करेगा? पहले उसका दोबारा से निकाह होगा, फिर तलाक होगा, फिर तेरे साथ निकाह होगा उसका। ये बात पता है मुझे, लेकिन मैं यहाँ किससे निकाह करवाऊँ? अरे तेरा बेड़ा गर्क हो, किससे निकाह करेगा? तेरे इतने यार दोस्त हैं, उनसे जाके कर दे जा। मैं उनपे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। तो किस पे भरोसा करेगा? हाँ, किसी ना किसी पे तो करना पड़ेगा ना भरोसा। दादाजी आपको पता नहीं है कितना बड़ा हंगामा हो चुका है। चल मेरा दिमाग मत खराब कर। अरे दादाजी, आज वो क्या हुआ कि पुलिस वाला मिल गया था। वो बोला मैं शादी करूंगा। करता है तो कर लेने दे। अरे आप मेरी बात तो सुनो। वो बोला मैं मुनि को हवालात में बंद करूंगा और खुद भी वहीं पे रह जाऊंगा।
अरे ऐसा कहा हराम खोने भूसा निकाल दूंगा कोनी मार मार के साले का। मार लो बाद में, अब मैं क्या करूं? क्या करेगा, कुछ मत कर, तू जा रुक जा महीने दो महीने रुक जा, उसके बाद देखते हैं कोई ना कोई नतीजा। महीने दो महीने कैसे रुका जाएगा? तो क्या करेगा फिर, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू जा। अरे देखिए ये नाखून नाखून तो साफ कीजिए ना। नाखून? अरे बाल वाल सब सफेद हो गए, कलर वलर तो कीजिए। अब ठीक से बैठो, आराम से बैठो आप। अरे मैं ठीक से बैठ जाऊंगा? तू ये बाल और ये नाखून की क्या बात कर रहा है ये? वो मैं क्या कह रहा था कि वो क्या कह रहा था, आप कर लो ना शादी। अरे दूसरे किसी पे भरोसा नहीं करता दादाजी, सिर्फ आप पे भरोसा करता हूँ। उसमें भरोसा करेगा? मैं तो, मेरा तो उसकी शक्ल देखना भी गुनाह है। शक्ल देखने की क्या जरूरत है? तो फिर क्या करूं? अरे आप मुंह फिरा के सो जाना, बस कुछ नहीं करना है आपको, एक रात की बात है दादाजी, प्लीज। मुंह घुमा के सो जाना? हाँ मुंह घुमा के सो जाना। आप करोगे ना? एक रात की बात है, मुंह घुमा के सो जाना। हाँ आप करोगे ना? हाँ हाँ ना हाँ हाँ। मरहूम मोहम्मद बशीर खान का लड़का मोहम्मद सद्दाम खान से एक रुपया देन मेहर, आपको अपना निकाह कबूल? कबूल है। मरहूम मोहम्मद बशीर खान का लड़का मोहम्मद सद्दाम खान से एक रुपया देन मेहर अपनी जोरजियत पर निकाह कबूल? कबूल है। निकाह कबूल? कबूल है। मोहम्मद गफूर मियां की लड़की मुसम्मत मुन्नी खातून से एक रुपया देन मेहर, आपको अपना निकाह कबूल? कबूल है। गफूर मियाँ की लड़की मुसम्मत मुन्नी खातून से आप एक रुपया देन मेहर अपना निकाह कबूल? कबूल है। निकाह कबूल? कबूल है। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ? क्या देख नहीं सकता क्या? देखो कैसी लग रही हो? मैं अच्छी लग रही हो? अच्छा दादाजी किधर है? दादाजी? हाँ मुझे नहीं पता, बाहर होंगे। अरे सब जगह ढूंढना, मिल नहीं रहे। अरे बाहर ही होंगे, बच्चे थोड़े जो खो जाएंगे। ढूंढो जाओ। जाओ? क्यों? मतलब जाओ जाओ। अरे हाथ मत लगाओ, दूर रहो। क्यों? एक रात की तो बात है, फिर तो तलाक हो जाएगा ना, फिर से शादी करेंगे ना हम लोग, तब हाथ लगाना प्लीज, ये सब गुनाह है शादी से पहले। अरे कौन सा गुनाह है, वैसे भी तलाक होने ही वाला है। जब तलाक हो जाएगा, हमारा निकाह हो जाएगा, तब हाथ लगाना, ठीक है? जा। अभी जाओ। अच्छा याद किया की आए, अरे ये दुख सहा नहीं जाए, याद किया की आए। अब मोरी अखियां लागे न सखियां, काहे मुहे सताए, याद किया की जाए, याद पिया की आए। ये दुख सहना जाए, याद पिया की आए। दादाजी
आ गए आप? क्या बात है, बड़े अच्छे लग रहा है आज तो। गजरा वजरा, नया सूट, बाल भी अलग से बनाए हुए हैं, क्या ही है? आदाब। आदाब। अच्छा ये बताइए, सुबह से कहाँ गायब थे? पूरा दिन हम सबको परेशान करके रखा था आपने। बेचारा वो तालाब में डूबने को तैयार था आपको ढूंढने के चक्कर में। कहाँ कहाँ ढूंढा आपने? जंगल, तालाब, पानबीड़ी की दुकान, मेहरून निसा का घर, सब जगह ढूंढा आपको, कहीं नहीं थे। एक जगह तो रह गई। किसका घर? अपना दिल। वो जगह क्यों भूल गई? अच्छा ये बताइए, अभी मजाक छोड़िए, पहले ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ गए थे? देखिए मैं अब आपको एक बात बता दूं कि आज के बाद अगर मैं कहीं खो जाऊं तो बस अपने दिल में ढूंढ लीजिए, मैं फौरन मिल जाऊंगा आपको। मजाक मत कीजिए, टालिए मत मुझे, जल्दी से बताइए कहाँ गए थे। मैं पूरे दिन आपकी मोहब्बत टटोलता रहा, ढूंढता रहा, खोजता रहा, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगा कि हमारा निकाह बड़ी जल्दबाजी में हो गया है। मोहब्बत और इश्क की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, हमें मौका ही नहीं मिला। पूरे दिन मैं छटपटाता रहा, ढूंढता रहा, अपने दिल को टटोलता रहा, अपनी धड़कनों को संभालता रहा। अच्छा एक मिनट, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, कहिए। पीवी के तो नहीं आ? अल्लाह तौबा, मैं पीकर आऊंगा। फिर ऐसे महंगी महंगी बातें क्यों कर रहे हैं? पीकर नहीं आया, नशा जरूर है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत का। अरे? बस अब जल्दी से अपने झुमके उतार दीजिए। आपसे नहीं उतरते तो मैं। मुझसे दूर होकर बात कीजिए प्लीज, मुझसे दूर रहकर बात कीजिए, मैं चिल्लाऊंगी। नहीं नहीं, देखिए अभी आप चिल्लाना चाहें तो चिल्ला लीजिए, लेकिन मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं इतना बेगैरत नहीं, समझदार हूँ, और मैं इस तरह आपको बेवजह परेशान नहीं करूंगा। किसी को परेशान करके काबू में नहीं किया जा सकता, है ना? मैं तुमसे मोहब्बत करके ही काबू में करूंगा तुम्हें, है? और यकीन मानना, आज नहीं कल परसों 2-4-10 दिन में कभी ना कभी मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ही लूंगा, देखना मेरी मोहब्बत। लेकिन आपको हो क्या गया? आपने वादा किया था हम लोग सिर्फ ये निकाह। छोड़िए वो वादे, सब भूल जाइए। अगर आप चाहती हैं कि मैं अभी ना रहूं यहाँ तुम्हारे सामने, जब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, जब तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगी, तब मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा और वो दिन बड़े जल्द आएंगे। खुदा हाफिज। आराम करिए, अगर हो सके तो बीच में एक आध बार मुझे याद कर लीजिएगा। शबक है। माफ करिएगा, आपके आराम में खलल हुई। कहाँ गिर गए थे? खून कैसे टपक रहा है देखिए। ये कुछ नहीं है, कुछ कांटे थे, चुभ गए मुझे। कांटा सर पे लगता है, पैर में लगता है? अच्छा आप तो सर के बल चलते होंगे। आपकी मोहब्बत के खातिर मैं तालाब में कूद गया था। तालाब में क्या कर रहे थे? मछली पकड़ने गए थे? जी नहीं, आपको कमल का फूल बहुत पसंद है ना, बस वही लेने चला गया था। वो साकी माफ करें, इसे कबूल कीजिए, ये मेरी मोहब्बत का पहला तोहफा है। मेरी मोहब्बत कबूल कीजिए बेगम, प्लीज। अभी बस सुबह सुबह नहीं, प्लीज जाइए जाइए प्लीज। तो आप मेरा तोहफा कबूल नहीं करेंगी? अब जाइए ना सुबह सुबह प्लीज। नाराज मत होइए, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। याद में तेरी क्या है ये? फूल फेंक के मारोगी? दादाजी किधर है? तुम और तुम्हारे दादाजी अपनी मनुष्य शक्ल लेके मेरे सामने मत आया करो, जाए यहाँ से। क्या हुआ? उन्हीं से पूछ लो जाके। दादाजी, 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 अरे दादाजी, 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 क्या हो गया इनको? दादाजी, दादाजी,
दादाजी, अरे बात तो दादाजी, 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 अरे बात तो सुनो मेरी, दादाजी, दादाजी, क्या कूद रहे हो, दादाजी, सुन कह रहे कि नहीं, क्या है बोल, क्या कर रहे हो, क्या पहन रखा है आपने, क्यों दिखाएंगे इस दादाजी, अरे आपको दौड़ना ही था तो मुझे बोल देते, मैं आपको कपड़े लाके देता था ढंग के, मेरी जगह पे तू दौड़ेगा, अच्छा उसे छोड़ो आप दादाजी, मेरी बात मेरी, अब सुनो तो सही मेरी बात, बोल, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है, सब सब मिठाई विठाई सब बांट चुके हैं, अभी आप जल्दी से, मिठाई बांट क्यों दी भाई तूने, दादाजी खरीदी है क्या, बांटी है, नहीं मैंने, मेरा आप तलाक देने वाले थे, तलाक, हाँ काहे का तलाक भाई, अरे मेरी शादी होनी है, तेरी शादी, कौन सी शादी तेरी, दादाजी कल वादा तो किया था आपने, वादा, चलो ना, अरे जुम्मा जुम्मे रात में कोई फर्क नहीं है क्या, वादा कल किया था आज नहीं, हाँ दादाजी मजाक छोड़ो, मैंने पहले ही मना किया था कि देख मैं ये निकाह वकाह करने वाला नहीं हूँ, तूने जबरदस्ती करवाया, अब मेरा दिल आ गया, बस इस उम्र में इतना खूबसूरत सहारा मिला और तू कहता तलाक दे दो, क्यों दे दो भाई, दादाजी प्लीज 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 कुछ नहीं, अंग्रेजी ना बोल, हाँ देख बता रहा हूँ मैं, हाँ पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं कि तू प्लीज प्लीज करके मुझसे तलाक दिलवा ले, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, आपने अपने कल वादा तो किया था, वादा किया था कल, किया था आज तो नहीं किया ना, हाँ कल वो तेरी बीवी थी अब नहीं है, अब नहीं है मतलब, ना अब मेरी है, हाँ तेरी दादी, दादी? नजर उठा कर मत देखना, छूने की कोशिश की तो जमीन ज्यादा से बेदखल कर दूंगा खुदा कसम, हाँ चला जा सीधा मुड़ के जिस रास्ते से आया है, हाँ और दूर से दुआ सलाम किया कर उनसे, समझे, अब वो मेरी बीवी है, इतना खूबसूरत सहारा मिला है उसे छोड़ दूं मैं, दादाजी आज आपने साबित कर दिया कि आप मेरे सगे दादा नहीं हैं, मैं यतीम हूँ, चैन कहाँ फिर उसको जिसको कोई ठग ले, जिसकी माँ सूखा को कोई लेके भग ले, ले गया रे ठेंगा दिखा के, ले गया रे झांसे में ला के, साल करके सस्ते में काम, ले गया सद्दाम आइटम, ले गया, उन्होंने इतनी ताकत कहाँ छुपा रखी थी, बरखुरदार ताकत दिखाने के लिए नहीं होती, संभाल के रखने के लिए होती है, वक्त आने पर दिखाई जाती है और वक्त आने पर इस्तेमाल की जाती है, अब वक्त आ गया है मेरा, एक गिलास दूध में सिल्लाजीत घोर के रखिए जी, मुझे पीकर बाहर निकलना है जल्दी, अच्छा जी लाती हो जरा जल्दी, और सुनिए जी बेगम सुनिए तो, अरे कहाँ निकल गए, बोलिए जी, नहीं कुछ नहीं जाइए, अरे छोड़ो अभी देख लिया ना तो दादी बुलवाएंगे तुमसे, समझे छोड़ छोड़ पागल, बेगम, अरे बेगम ये लीजिए, कैसा है गरम, हाँ बढ़िया, अच्छा सुनिए ना मुझे तलाक दे दीजिए ना, तलाक दिमाग खराब है हमारा या तुम्हारा, हाँ क्यों दे दूँ तलाक, अरे तलाक देने वाले दे गए, अब मैं नहीं देने वाला तलाक, हाँ मैं तो तमाम उम्र तुम्हें अपने कलेजे से लगा के रखूँगा, चलो भाई लठर की, ये रूम तो पहले चेक करना चाहिए था, गंदी गंदी तस्वीरें, अरे हाँ
जल्दी से बाहर आओ जान, बाहर आ जाओ। कितना शोर मचाते हो, अरे आ रही हूँ ना। आ जाओ क्या है? अरे एक सेकंड रुको ना, ये कर क्या रहे हो? ये क्या है? सूरत लगेगा। लेकिन हुआ क्या है? अरे तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ, ठीक हो ना तू? 14 साल का था मैं। अच्छा, तभी इसको उठा के मैं लाठी की तरह घुमाता था। तुम फेंकू? अरे अभी तो शाम नहीं हुई है, अंधेरा हो जाएगा ना तो दिखेगा भी नहीं। अच्छा फिर? मेरे जिगर के टुकड़े है मेरे लाल, इसे घुमाएगा तू? कमर टूट जाएगी, किसी काम का नहीं रहेगा। अभी तुझे मेहरुनिसा की बेटी से शादी करना है? अरे मेहरुनिसा कच्ची गली है, एकदम कच्ची गली है बेटा। 2 साल रुक जाए, उसके बाद तेरी शादी करवा दूंगा, मगर इसे मत उठा। अगर तुझे घुमाना है तो ले, इसे घुमा, बस घुमा ले। हाँ हाँ, वो तेरे लायक है। और ये बेटा ले, मुखोरी चल, मुखोल पकड़ के दबाए रख 2 घंटे तक। आजा आजा मेरी जान। चिपके रहते हो और रात को भी आपको नींद नहीं आती, बुढ़ा साला। नींद कैसे आएगी? नींद तो तूने बर्बाद कर रखी है मेरी हरामखोर। क्यों बरखोरदार, नींद नहीं आ रही क्या? आप क्या कर रहे हो, आप भी तो क्यों नहीं? मेरी बराबरी करेगा तू? हाँ अरे जाके सो जा। वो आप कुछ छुपा रहे थे। अरे मैं सोने की बात कर रहा हूँ, तो छुपाने की बात कर रहा है? कुछ नहीं, क्या है? नहीं आपके हाथ में कुछ है? कुछ नहीं हाथ में, देख खाली है। नहीं मैंने अब भी देखा था, बताओ ना क्या है। अरे मत देख, तू दिमाग खराब हो जाएगा तेरा, तेरे देखने की चीज नहीं है वो। बस क्या दादाजी, दिखाओ ना। अरे क्यों दिखाऊं, कल जब फट जाएगा तेरा देखेगा तू। ऐसी क्या चीज है, दिखाओ ना। देखना चाहते? सच्ची? हाँ देखेगा, ले देख, तू भी देख ले। अरे देख ले, संतरे की खुशबू वाला है, डॉटेड रख ले, देखता रहे ये सब। अच्छी बजा लेते हैं आप। अरे कैसे करूं मैं अपनी मोहब्बत का इजहार, कैसे समझोगी तुम मेरे दिल की धड़कनों को? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए, बताओ? क्या कर सकते हैं आप? जो तुम कहोगी। मैं जो कहूंगी जी? कुछ भी। कुछ भी? जरूर जमीन तो क्या चांद सितारे ला दूं? तो जाइए चांद लेकर आइए। चांद? जाइए चांद लेकर आइए। एक घर में दो चांद? दो चांद का क्या करूंगा? उस चांद को वहीं रहने दो, इस चांद को यहाँ रहने दो। अच्छा ठीक है, चांद रहने देते हैं। तो आप सर के बल खड़े होकर दिखाए मुझको। सर के बल? क्या टूटे फूटे आदमी से मोहब्बत करना चाहती हो? बहुत आसान है, चलिए आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ये अल्लाह, उसके बाद तो मोहब्बत करने लगोगी ना? सोचूंगी। अरे तुम्हारा सोच ना। स्टार्ट। देखता हूँ मैं कब तक सोचोगी। तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ, मेरी मोहब्बत मेरे साथ। अजी क्या बात, अब तो करने लगो मोहब्बत। ऐसे रही है, अच्छे लग रहे हैं। अरे मैं तमाम उम्र तुम्हारी मोहब्बत में उल्टा खड़ा रह सकता हूँ। ऐसे ही रहिए। आपको पता है आप सर के बल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, मुझे बहुत काम है, आप ऐसे ही रहिए, मैं जा रही हूँ, बाय। सुनिए तो, इस
मेरी मोहब्बत को उल्टा करके मत जाइए। सुनिए, नन्हा सा दीवाना जानत सब कुछ अनजाना, लाख गुनाह कर ले वो अश्क से आंखें भर ले वो, उसे प्यार हुआ है इनकार न करना, है सबसे जुदा वो इकरार तू करना। दिन चक तक दिन, दिन चक तक दिन, दिन चक तक दिन, आए हाय, उंगली है किसी शायर की कलम। ओहो सुभान अल्लाह। तुझे भी लगाना है, ला हाथ दे। खुद नहीं लगा सकती क्या? वे दादी है तेरी। ये परवाना है इस परवाने को शम्मा से जल जाने दे, ये पगला है इस पगले को तेरे नाम मलंग बन जाने दे, तेरे नाम मलंग बन जाने दे, तेरे नाम मलंग बन जाने दे। उम्र की खांसी रुकने लगी है, चेहरे की झुर्री छुपने लगी है, इनकार न करना, जब सामने आए तकरार न करना। दिन चक तक दिन, 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 दिन चक तक दिन। लीजिए मुझे भी। बैठो बरखुरदार। दादाजी वो मैं क्या बोल रहा था कि बोलो मत, बोलने के दिन तुम्हारे गए, खाम खा मक्की की तरह भिन भिनाते रहते हो आसपास। जाओ रुख की रंगत खिलने लगी है, खिलने लगी है, दिल की धड़कन बढ़ने लगी है, रुख की रंगत खिलने लगी है, दिल की धड़कन बढ़ने लगी है, केस में ही नारंगने लगी है, पेशानी चमकने लगी है, से प्यार हुआ है इनकार न करना, है सबसे जुदा वो इकरार तो करना। दिन चक तक दिन, 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 बेटा ये हकीमी पेशा खानदानी है हमारा, बाप दादों के ज़माने से चला आ रहा है, तुम्हें भी सीखना चाहिए। तुम खाम खां इधर उधर उछलते कूदते रहते हो, इस पर ध्यान देते नहीं हो, हाँ समझे। और इस हवेली पर मेरे बात तुम्हारा ही हक़ है। लेकिन अगर तुमने हमारी बेगम यानी अपनी दादी पर बुरी नज़र रखी तो ज़मीन ज़्यादा से बेदखल कर दूँगा। अब यहीं आ रही है, ज़रा संभाल कर बैठना। हाँ बेगम तशरीफ रखिए जी। एक सेकेंड। बरखुरदार बेगम, सबसे पहले आप इस तरफ खिसक आइए, मेरे नज़दीक आइए, आइए आइए। अपनी नज़रें बरखुरदार ज़रा सीधा रखा करिए, वरना टांगे के घोड़े को जो सीधा देखने के लिए कनपट्टे पहनाए जाते हैं ना, वही कनपट्टे पहना दूंगा मैं तुम्हें। मुझे नहीं खाना है। क्या बात है,
आपको मिर्ची नहीं लग रही है? नहीं बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इसमें मैंने नमक भी नहीं डाला है। नमक डालने की जरूरत ही क्या है, तुम्हारे हाथों में इतना नमक है कि बस अपने हाथों से बना दो, बहुत है। आंखों में तुम्हारी नमक का समंदर है, डूबिए तो डूबते ही जाइए, उफ तेरी आंखों की ये गहराइयां। बरखुरदार अपना हाथ उठाकर जरा सामने रख लो। हाँ, नजरों पे लगाम दी तो तुम हाथ फैलाने लग गए। हाँ, चपेड़ मारूंगा ऐसे खींच कर, समझा? मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैं नहीं कर सकता तो पूरी दुनिया का कोई भी पुलिस वाला इस मसले में आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उन दोनों की रजामंदी से शादी हुई है, ठीक है, पंचायत के सामने हुई है, सब लीगल है, लीगल। एक रास्ता जरूर है, तेरा दादा जो है ना बुड्ढा ठरकी है, तू उसको आइटम दे ला। अभी आइटम कहां से लेके आऊं? अरे बुड़बक, आखिर बाजार लाल बत्ती। बेगम जी, मेरी आपसे गुजारिश है, कभी भी जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो उसे नजरअंदाज कर दीजिए। आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं होता, मैं तो आपसे तहे दिल से मोहब्बत करता हूँ, और इस मोहब्बत से मैं कैसे दूर रह सकता हूँ? अब क्या कहूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो मेरी बात सुनी और उसे। ए सुनो, एक काम करो, तुम जाके आराम करो, क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? एक बात करनी है। क्या? कल कहना, तुम भी ना। अरे सुनो तो। हाँ, क्या कहना चाह रही बात है? ऐसी कितनी जरूरी है कि तुम रात को कहना चाह रहे हो? नहीं अभी तो कहो। इनको जरा अंदर जाने को बोलो। क्यों दादी, ये तुम्हारी, इनके सामने नहीं कह सकते? नहीं कह सकता। अच्छा अभी माफ करिएगा। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। हाँ, आप बुरा मत मानिएगा। बिल्कुल नहीं जी, चलो। अच्छा बैठो तो सही, ऐसी कितनी लंबी बात है भाई। क्या कहना चाह रहे हो? हाँ? मैं क्या कह रहा था कि बोलो। थोड़ा घूम घूम के आते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा एटमॉस्फेयर बोरिंग हो रहा है। घूम के? हाँ। इस वक्त? हाँ। अरे नहीं यार, इतनी खूबसूरत दुनिया छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा? अरे दादाजी, आपको मैं ऐसी दुनिया में लेके जाता हूँ कि आप कभी घर ही नहीं आना चाहोगे। अच्छा मार साथी।
कहाँ गायब हो गया था भाई? क्या सेटिंग कर दी? सेटिंग कर दी? हाँ, काहे की सेटिंग कर दी? वो लड़की के साथ। कौन सी लड़की? वो जो नाच रही थी, वो सोएगी आपके साथ। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा? घर में इतनी खूबसूरत तेरी दादी बैठी हुई है, मेरे पूरे दिल पर कब्जा करके बैठी है वो, उसको छोड़ के मैं यहाँ जाऊँगा? लेकिन आपको चाहिए ना? बेवकूफ कहीं का, मैं तो तेरा दिल बहलाने के लिए आ गया है, और मैंने भी नाच लिया कूद लिया, अब ये मतलब थोड़ लेना कि मैं उसके साथ जाकर सो जाऊं? बेवकूफ कहीं का। अरे लेकिन मैं पूरे पैसे वैसे दे के आया हूँ। पैसे देकर आया है तो जाकर तू सो जा है, उसे जिना करवाएगा उल्लू के ढक्कन, अब जाके सो ही जाना उसके साथ। अगर तू मेरे पीछे पीछे आया ना तो कसम खुदा की कुत्ते गलियों में छोड़वा दूंगा तेरे पीछे। अच्छा खासा बेगम के साथ चांदी रात में टहल रहा था, कमबख्त ने सब गुड़ गोबर कर दिया। बुढ़ा साला। अरे बुढ़ा होगा तेरा बाप। हलीम भाई को सुपारी दे देते हैं, मैं अपना झुमका भी भेज दूंगी। मुझे तो नहीं लगता हम इनको मना पाएंगे, वह इनको टेलीग्राम दे देगा ऊपर का। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। किस चीज हो ना? मैं क्या बात कर रही हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम अरे बेगम कहाँ चला गया? ये कमबख्त आपका पोता है ना माकूल कहीं का? देखो टेबल पर ये दूध का गिलास रखा हुआ था, कमबख्त सारा दूध पी गया है। नजर तो नहीं आया तुम्हें? नहीं। उसे आसपास फटकने मत देना, बेवकूफ कहीं का। अरे सुनो जी, तुम यहाँ तना क्यों खड़ी हो? अकेले मत खड़े रहा करो जान, अगर तुम्हें बात करनी है यहाँ मुझे बुला लिया करो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। चलो यहीं बैठना है या अंदर चलना है? अंदर चलना है। आ जाओ आ जाओ। देखो यहाँ खड़े रहना अच्छा नहीं लगता, अंदर आओ मैं आपको हलवा खिलाता हूँ। डर मत, डर मत, मैं हूँ ना, आ जाओ। मैं कहाँ डर रहा हूँ, बोल बोल के डरा दोगे क्या? ये क्या है? मर गया, मर गया। प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस में मर गया। ठंडा है, ठंडा। अच्छा मुर्दा है। बैठो बैठो,
अरे घबराओ मत, बैठो। मर गया है। रोज का काम है हमारा ये तो। आ जाओ बैठो बैठो बैठो। हाँ बस सब तैयार है, बिल्कुल ऐसे ही मारेंगे। तुम लोग सामने मौजूद रहने का उस वक्त। जी भाई। समझे? जी जी। बम बना लिए, गोला बम गन चाकू। उधर गोली सेक रहे हैं, भीग गया था बारिश में आते आते। पैसा लाए? जी भाई। नहीं कुछ नहीं, मैं हूं ना। 10 रुपए दो, 10 रुपए भाई वो रिक्शा के। अरे लिए दे दो, काम आएगा अपना। 10 रुपए भी? अरे चल के चले जाना। चले बैठो। अभी क्या है ना, उधर अपन पहुंचेंगे जैसे ही ना, गोश्त काटने का कुंडा चाहिए। कुंडा? कुंडा वो क्यों भाई? सरप्राइज है, उस वक्त पता चलेगा। सब कुछ आंखों के सामने होगा, बस रहने का तुम लोग उस वक्त हिम्मत रखने का। कुछ नहीं होगा, आराम से, सब एकदम आराम से होगा। जी भाई। और सुनो, 200 रुपए इसको देने का उधर, जब हम आएंगे तुम्हारे घर। भाई देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, चाहिए। ठीक है, सब तैयारी रखने का पूरा। मोबाइल ले लिया है, कम्युनिकेशन चलता रहेगा, इधर से उधर बातें होती रहेगी, एक इधर से आओ एक उधर से आओ, हमला बोलने की पूरी तैयारी। ठीक है, गन है, बंदूक है, सब कुछ है अपने पास, सब कुछ है। थोड़ा पैसा होता तो एक छोटा सा तोप ले लेता। तोप बूम। अबे हसमन मार डालेगा। हस्ती हो तो अच्छी लगती हो। ठीक है, ठीक है, फिर तो तुम लोग जा सकते हो। जी थैंक यू। जी भाई। नहीं रुक जा रुक जा। और बे बे बोलो। दस रुपए ले। 90 रुपए बाद में लेना। जी भाई। और सुन बे। ये सुन रहे, तू बड़ा कमाल का एक्टर है। 15 दिन तक देखना नहीं इधर। जी भाई। जा। आ रहा भाई, आ रहा है। नली अलग कर देना, पोटी की माँ कर देना, भेजा बाहर कर लेना, फेफड़ा फूक के रख देना। मुँह पे साफा बांधा है भाई। मुँह पे ही अटक करना, अधमरा करके छोड़ देना, मैं आके पूरा मार दूंगा। बादलों का घेरा है। मिले सूरज को मुट्ठी में बादलों का घेरा है। तरिया मंथन हो रहा है सारा। तू छोड़ ले, तू प्लीज प्लीज छोड़ ले। ओ ये तो जुगनी जुगनी है, जुगनी जुगनी, अरे जुगनी जुगनी है, जुगनी जुगनी, जुगनी जुगनी है, जुगनी जुगनी, जुगनी जुगनी है, जुगनी जुगनी, अरे जुगनी जुगनी है, जुगनी जुगनी, अरे जुगनी जुगनी है, जुगनी जुगनी, अरे जुगनी जुगनी है, जुगनी जुगनी। भागो बे। काम हो गया? हो जाएगा यार, सुकून रखो। बच गया है वो, राइट से गोली निकल गई। अच्छा, टेंशन मत लो। तुम्हारे मुंह से खून क्यों आ रहा है? अरे वो ऐसे ही धक्का लग गया था, गिर गया था। अच्छा, अब तो टेंशन मत लो, इस बार बच गया है, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। बुढ़ा बहुत बुरी मौत मरेगा। मिला बच्चा, मिला बाबू, जूते पहन लाए, लेज बांधेगा, कूल जाएगा। ए उठ, डंडा देखा है? फिट कर दूंगा साले, फिर कभी बैठ कर लेस नहीं बांधेगा। बैठ गाड़ी में। सॉरी साहब, साहब मुझे लगा आतंकवादी लोग आ गए। अबे चूहा मारा है कभी मेरे होते हुए आतंकवादी? बैठ बैठ बैठ। बोलो क्यों मियां, मेरे पोते को क्यों बंद कर रखा है? वो क्या है, पूरे गांव में अपना टफरी मचा रखी है। जहां देखो बम कट्टे, गोली, खून कट्टर, नए चेहरे दिखते हैं, उनके साथ तो मुझे दिखा है। उठाऊ ना तो क्या करूं? अच्छा, तो अंदर बंद कर दिया। हुँ? आपका मुंह देखा है तो अभी तक चक्की पीस रहा है। अच्छा, अगर आपका मुंह ना देखते तब तक चलान बना के कहाँ भेज दिया होता है, पता है आपको?
अच्छा तो फिर पोते से मेरी चक्की पिसवा रहे हो? छोड़ो इसे। अरे लेके आ, 2 किलो गेहूं बाकी है। बीवी मैके जा रही 1 महीने के लिए। क्या 1 महीने के लिए? कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे यार इस कंट्रोल ने तो जान ले रखी है तुम्हारे। कुछ बताइए। अच्छा। ताकि कंट्रोल हो। एक काम करो, लुंगी लटका दो तार पे। धीरे धीरे। अरे कोई सुनता नहीं है, ये तो आम परेशानियां हैं। लुंगी लटकाओ तार पे, मल के अच्छी तरह रगड़ के पहन लो बस। क्या? अरे सारी गर्मी वहीं से तो आती है। अच्छा। बस पहन लो बस, ठीक है। और लड़के को छोड़ो मेरे। अरे भेज उसको, भेज। ए, चल बे, चल। अरे एक नया मैंने जो इलाज बता दिया है उसके पैसे तुम्हें लेकर रहूंगा। अला कैसा लगा मियाँ? चलो चलो चल आजा। क्या कर रहे हो आप? क्या है, क्या है ये सब? दादा को मारने की फाइनली तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर मार दूंगा अल्लाह की कसम। ओ तो दिन दहाड़े ही आ गए। वो बम सब लगेगा ना। सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसा चाहिए? पैसा तो नहीं है, पैसा नहीं है अब हमारे पास। जो भी था सब दे दिया आपको यार। बहुत भारी पड़ रहा है बुड्ढा वो। अरे अभी देखो ना, पूरे मोहल्ले पे भारी पड़ रहा है। पैसा चाहिए, सुतली खरीदने का पैसा नहीं है, समझ रहा है? बहुत सारा बम खरीदना है, बनाना है, मजाक की बात नहीं है। गोला बनाने के लिए कांच, बारूद, कीले सब हैं, लेकिन बड़े बड़े बम बनाने के लिए लगे। आपको मैंने इतना पैसा ऑलरेडी दे रखा है। पैसा? सारी ज्वेलरी भी इसको दे दी। कंगन? कंगन मैं नहीं दूंगी फालतू में। सारी की सारी ज्वेलरी इसी को दे दी। अरे देना पड़ेगा अभी। मैंने काम करवाना है। नहीं बचे अभी, बस ठीक है ना? चाहिए भाई चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, काम छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुको। अरे देना तो पड़ेगा ना, इससे कुछ होता भी है। अच्छा तो दुबई भेज देते सारा पैसा। फिलहाल तो दे दे। दे रे, मैं तेरे को लाके दूंगा, 10 लाके दूंगा बस। अरे मैं खोल लेता हूँ, मैं खोल लेता हूँ, मैं खोल लेता हूँ। अभी भाई यही देखो आप, इसके बाद लगेगा वो ले लूंगा बाद में, अगर लगा तो मांग लूंगा। जी। अरे मैंने कितने बार कहा कि इस बेगैरत लफंगे के पास मत जाया करो। नहीं वो हम लोग कुछ नहीं, चलो यहाँ से। कंगन कहाँ? दो गोनी गोश्त, एक गोनी पाया। कंगन कहाँ है? दो मुंडी। क्यों बे? रखा है उधर कोने में। कंगन कहाँ है? मेरे पास नहीं, मैं नहीं जानता। कंगन कहाँ है? कंगन उसके पास। किसका है मामला? कौन है तू? अबे डेढ़ टांग का कौन है तू? ए मेरी मोहब्बत का ये नतीजा, इस लफंगे को ये कंगन तुमने पकड़ा दिया? उसने ले लिया दादाजी, हम लोग ने ले लिया, तुमने दे दिया। चलो बेगम निकलो यहाँ से, आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम।
बड़े मियां गोली चाहिए, गोली गोली तो लग रहा भाई ये खुद ही खा के सोया है। बुला ले, बुला ले। धीरे धीरे आगे देखे, आगे आगे देखे। क्या हुआ, क्या हुआ भाई का स्टाइल है रे। ठीक है ना, चलो आगे आराम से चलो, देख के चलना, देख के भाई रख ले आराम से, रख नीचे नीचे, देख रहा नहीं रख इसे, रख इससे नहीं होगा मालूम है, चढ़ा है आइए लो। कब एक काम कर, तो पैर पकड़ ले, पैर उधर से पकड़ ले टाइट करके, तू चादर पकड़ के रख, तू चादर पकड़ रख, खींचता रहे, जब खून करेंगे ना अपन सबसे पहला जो है ना चीज वो है काम कर भाई, पानी लेके आ थोड़ा सा। ये पानी का क्या करना है, दीवार पे निशान आ जाएगा भाई, खून ऐसा करके उड़ेगा, ऐसा करके उड़ेगा, फिनकी मार मार के निकलेगा, धब्बा होगा, तो पानी डाल दीवार पे, फिसलेगा खून। ए रेंद्र 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 दबा के गोनी, इसको लपेट देंगे, जब खून उड़ेगा तो इसको लपेट देंगे, खून इसके अंदर घुस जाएगा, चादर उसको चूस लेगा। ठीक है, तुम लोग घबराओ मत, डरो मत, बिल्कुल भी शांत रहो। नहीं नहीं भाई आप करो, पढ़ते रहो, कलमा पढ़ लेगा तू? हाँ मैं पढ़ लूंगा। छोड़ यार, दिमाग खराब हो गया इस तरह से मार मार के, परेशान हो गया मैं यार, कुछ नया आइडिया तो तुम लोग देते नहीं हो, कुछ तो दिया करो यार नया, कुछ तो सोचो। एक बेहतरीन आइडिया है, पहले इसके हाथ अलग करते फिर पैर, बोनी वर्ग कर देते, हाँ बांध के बोनी वर्ग कर देते है ना, हाँ। और मुंडी, मुंडी काट के दे देंगे ना, देखते रहेंगे दादाजी हैं, फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। भाई क्या हुआ, हाथ है भाई वो तो, अरे गिर गया ऐसे ही, स्टाइल है अनोखा है। क्या है ना, वो बस नॉर्मल था मामला, बड़ा गहरा नींद सो रहा है भाई, है इसको इराक से लाया था रे, इसका नाम सद्दाम है, ख्वाब में गाना गा रहा होगा भाई। मुझे थोड़ा सोचने दे। जी भाई सोचिए सोचिए। अब ये सोचेगा भाई, भाई मैं हूँ, मैं हटा यार भाई मैं हूँ। अरे तुम लोग बहुत परेशान कर रहे हो यार, तुम्हारे दादा वहां से हाथ फेंकता है, तुम्हें पीछे से खुजली कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार? अरे आप मेरी बात नहीं तो यार सुनो। ऐसा नहीं चलेगा यार, बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, अरे आप तो बहुत बड़े भाई हो। हाँ तो मैं हूँ, कोई सकी नहीं इस बात का, इसको हाँ जगह के मां पहले बताना चाहिए था, तू चाहता है ये कि मौत को अपनी आंखों के सामने ये देखे, हाँ। मालिकल मौत ऐसे इसके रूप हाँ। कब्ज करने आए और ये देखे अपने आंखों से करके सारी चीज, मौत कैसा हो रहा है दहशत, यही चाहता है ना तू, जगा दे, जगाएंगे अपन, जगाएंगे, जगाओ ए! मार थप्पड़ भाई, मारू, मार थप्पड़, मेरे से नहीं होगा, मुझे मेरे नाना जी की याद आ रही है। ए, तेरे नाना भी याद आने थे। अबे काम कर, तू पैर पकड़े खींचता रहे, खींच खींच, अच्छा सुन ले, अगर जाग गया तो बोले कदम चूम रहे थे। अच्छा ठीक है, खींच खींच खींच। अबे कितना गहरा नींद सो रहा है भाई, ये नींद की गोली लेता था क्या भाई, लग रहा है तो ठंडा हो गया, पहले उठ ही नहीं रहे तो क्या मतलब इस बात का भाई, मर गए मुर्दे के सामने हैं हम लोग, तब से मुर्दे को मारने की बात कर रहे हैं हम लोग, चलो मार देंगे मुर्दे को ही, मार देंगे, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, चलो मार देंगे मुर्दे, रुको भाई रुको, मुर्दे को मारने में कोई तकलीफ नहीं है। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि मारने की क्या जरूरत, भाई पैसे लिए, काम पहले से ही मर गया है, पैसे नहीं है मेरे पास, रिटर्न नहीं दे सकता, सब पैसे खत्म हो गए। अरे भाई, अरे भाई ऐसे क्या कर रहे हो आप, रखो पैसा तो क्या करो, एक काम करो उसी पैसे से आप कब्र खोद, बड़ा आसान काम दिया है, फोड़ा लाया ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं खेत पे, नहीं नहीं कोई फोड़ा लाया है, सब है सब, अरे भाई मर गया ना, पक्का मर गया भाई, दिल देखो दिल, अरे भाई दिल उधर होता है, यहाँ म
मुझे लग रहा है मुन्नी 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 कर रहा है, ऐसा तो नहीं ना? नहीं मर गया बे? मर गया ना? मर गया, मर गया। बता दो सबको। एक काम करो, दावत दे दो सबको। हाँ, दाल गोश्त का दावत दे दो। हम सब खा भी लेंगे। सब लोग खा लेंगे, कवर ओवर अपन खोद देते। देखिए जो पत्थर निकला इसको साइड में रख, भुट्टे के सीने पे रख के उसके ऊपर मिटा। भाई भुट्टा गहरा गाड़ेंगे। बाबू नया धोती का इंतजाम है? धोती साफ रखा है। अरे इधर इधर कहाँ है? हाँ वो खिड़की पे रखा है, इन्होंने ही रखा था। नहलाने की जरूरत नहीं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी जस्ट वो नहा के मरे। नहीं नहीं, पाक करने के लिए नहलाना जरूरी है। देखो कैसा नूरानी चेहरा है। बस करो, और मत देखो, और मत देखो, नजर लग जाएगी। पानी कहाँ रे? पानी ले, क्या लेके डाल, ये लो पानी लो, उधर को पानी रे। जनानी सब प्लीज हट जाइए यहाँ पर से, यहाँ पर गोसल कराएंगे। हट जाइए हट जाइए हट जाइए हट जाइए। हाँ पकड़ ले इधर से, उठा अबे उठा, मैं पकड़ूंगी, पकड़ पकड़। हट जाओ, सुबह होने से पहले दफना देंगे। भाई हटो, थोड़ा सा साथ दो। लगा कर हम देख रहे हैं मौत के बाद भी जिंदा हो जाता है। अभी मार देता हूँ। अरे तलवार लाओ। शेरखान कहाँ है? अरे कहाँ है बाबू तू? साइड दो शेरखान दो। अरे तू, तू मेरा पोता? अब मरे थे ना? अब मरे थे ना? क्या पापा जिंदा कैसे हो गए? अरे सो रहा था मैं, साइलेंट अटैक था मुझे। इसी के इसी वक्त सबके सामने मेरी बीवी को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ दो वरना मैं मार डालूंगा आपको। तू मारेगा मुझे? हाँ तू मारेगा मुझे? ले खड़ा हूं मैं, मार। हाँ सबको बताना चाहता है तू मेरा सगा पोता नहीं है और मैं तेरा सगा दादा नहीं हूँ, मैं तुझे यतीम खाने से लेकर आया हूँ, ये बताना चाहता है? हाँ हटा तलवार। मारने चला है मुझे, वो देख अपने पीछे, वो बैठी रो रही है, वो और कोई नहीं, वो तेरी दादी है। 20 साल पहले मैंने उन्हें तलाक दे दिया था, मैं दोबारा निकाह करना चाह रहा था लेकिन बीच में आ गया। अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं कहता कि हदीस गलत है, मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन हमारी कमाकली, हमारी बेवकूफी इस तरह के गुनाह करने में आगे आ जाती है। 3 बार तलाक कह दिया और तलाक हो गया, और उसके बाद उस बेगुनाह को दोबारा से निकाह करने के लिए किसी और के साथ एक रात के लिए निकाह करवाओ और फिर तलाक। अरे वाह, कैसी हम लोगों की जिंदगी है, हम कहां भटक जाते हैं बेवकूफों की तरह। बेटा उसके बाद मैंने निकाह करना चाहा, लेकिन वही जो तेरे साथ हुआ मेरे साथ भी, जिसके साथ निकाह करवाना चाह रहा था सबकी नजरों में खोट थी। अरे तेरी तरह मेरा कोई दादा नहीं था रे, 30 साल लगे मुझे ढूंढने में। अरे मेरा दादा होता तो मैं उसे कह देता तेरे पास तो दादा था, पराई सही दादा तो था। बता इस परायपन में अपने पोते की मोहब्बत में मैंने कहीं कोई कमी की? तेरे प्यार परवरिश में कहीं कोई कमी थी? बता इन सबके सामने कोई कमी थी? मैं तेरा दादा, दादा से पढ़कर नहीं था तेरा? बोल, तू तलवार लेकर मुझे मार रहा है, है? कि मैं इसे तलाक दे दूं? किस पे भरोसा करता तू? किसके साथ निकाह करता? बोल, अगर किसी के साथ निकाह कर देता है? सबकी नजरों में खोट थी है? अगर एक रात उसके साथ रह जाती, अगर कुछ ना किया होता तब भी तू शक करता, कुछ किया होता तब भी तू शक करता, करता कि नहीं? तमाशा बनाकर रख देता अपनी ही बीवी का। देख 20 साल से वो मिलने को तड़प रही है और मैं भी मर रहा हूं। ये गुरूर, ये बेअकली और नाराजगी की वजह से मैंने पूरा अपने आप को तबाह कर दिया, वैसे ही तू भी तबाह कर रहा था। लेकिन अरे मेरे बच्चे, ये तो तुझे नसीहत देने के लिए मैंने ये सब किया, तेरे अलावा पूरे गांव को ये समझाना था कि इस रिश्ते को ऐसे नहीं तोड़ा करते,
अगर मैं गुनाहगार हूं तो अल्लाह मुझे सजा दे। मैंने तो अपने बच्चों की जिंदगी के लिए ये सब किया। मोहतरमा मैं आपको तलाक देता हूं, मेरी सारी गुस्ताखियां माफ करें मोहतरमा, मैं आपको तलाक देता हूं, तलाक तलाक तलाक। आ जाओ मेरे कलेजे के टुकड़ों। मैंने भी आपको तलाक दिया, तलाक तलाक तलाक। अरे मेरे बच्चा, मैंने कभी तुझे बुरी नजर से नहीं देखा। तुम लोग तो मेरे बच्चे हो, मैं तो तुम दोनों को सबक सिखाना चाहता और मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरे बच्चे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सद्दाम हुसैन का पोता मोहम्मद शेर खान से 1 रुपया देन मेहर आपको अपना निकाह कबूल? कबूल है। सद्दाम हुसैन का पोता मोहम्मद शेर खान से 1 रुपया देन मेहर आपको निकाह कबूल? कबूल है। निकाह कबूल? कबूल है। जफर खान की लड़की मुसम्मात सायरा खातून से 1 रुपया देन मेहर आपको अपना निकाह कबूल? कबूल है। जफर खान की लड़की मुसम्मात सायरा खातून से 1 रुपया देन मेहर आपको निकाह कबूल? कबूल है। निकाह कबूल? कबूल है। जब तुम नींद से जागते हो तब उछलते हो, ये तुम्हारा पास रख लो। अब तो नहीं उछलूंगा। हाँ ठीक है, अब मैं नहीं उछलूंगा लेकिन सबका उछालूंगा। क्या अबे दे देना, ब्रश ही करता रहेगा। अरे सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो, मैं नहीं देने वाला तलाक। वाला क्या नहीं देगा? तलाक नहीं देगा? हाँ। अरे तेरी से बैठी है। चारों तरफ जब हंगामा हो तन्हाई चुप रहती है, चारों तरफ जब हंगामा हो तन्हाई चुप रहती है, तो जुगनी क्यों घर के कोने में चुपके से बैठी है। चारों तरफ जब हंगामा हो तन्हाई चुप रहती है, तू जुगनी क्यों घर के कोने में चुपके से बैठी है। सूरज को मुट्ठी में बादलों का घेरा है, थामल सूरज को मुट्ठी में बादलों का घेरा है, दरिया मंथन हो रहा है सारा अमृत तेरा है। जुगनी जुगनी है, जुगनी जुगनी, जुगनी जुगनी है, जुगनी जुगनी, जुगनी जुगनी है, किस्मत पे अपना